नमस्कार बोकारो। चास नगर निगम की लापरवाही से परेशान है सुभाष कोऑपरेटिव के लोग। चास नगर निगम के वार्ड 11 सुभाष कोऑपरेटिव में रहने वाले लोग नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण परेशान है। इस कोऑपरेटिव में रिटायर का कर बुजुर्गों ने इसलिए अपने आसियानों का बनाने का काम किया कि अपनी बाकी ज़िंदगी को अपने परिवार वालों के साथ सुख चैन से काट सके। लेकिन यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी इनके घर तक नहीं पहुंच सकती है। इसका दर्द इन लोगों के जुबा पर सुना जा सकता है। लोगों का कहना है कि नगर निगम वैसे जगह सड़क निर्माण करती है जहां से उनको सीधा आर्थिक लाभ पहुंचता है। यही कारण है कि चिराचास में अपार्टमेंट तक निगम के द्वारा संपर्क पथ बना दिया गया है। यहाँ 100 परिवार अपने घर वालों के साथ रहने का काम करते हैं। बावजूद इसके इस सड़क को अभी तक नहीं बनाई गई है। लोगों का कहना है कि इस सड़क की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक, सांसद, मेयर और निगम के अधिकारियों तक अपनी आवाज़ लिखित और मौखिक रूप से भी दी, लेकिन मिला सिर्फ आश्वासन। यह सड़क वार्ड नंबर 11 कैलाश नगर के मुस्लिम मोहल्ला से भी जोड़ती है। बावजूद इसके इस सड़क को बनाने में निगम मौन रहा। 10 वर्षों से लोग इस समस्या को जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासी, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का रोड आज तक 1 इंच जमीन मैंने 1 इंच भी रोड नहीं बना। उसके चलते लोग घर नहीं बना रहा कि कोई विकास का कुछ है ही नहीं तो घर हम क्या बनावे। और उस घर नहीं बनाने के कारण यहाँ के भूमि माफिया लोग इतना तंग करता है। अब हम लोग सब बूढ़े आदमी हैं, उससे हम मुकाबला नहीं कर पाते। जिस जमीन पर घर बनाने जाते हैं वहाँ आकर के चारों खड़ा हो जाता है कि मेरा है। अब साला कानूनी पर्चा हम पढ़ते रहिए और वो लोग खाली डिस्टर्ब करने के लिए। हम लोग अल्पसंख्यक पढ़ते हैं, 3 तरफ से मुसलमान हैं, वो लोग नहीं चाहता है कि लोग बसे। ये सब प्रॉब्लम मेन चीज़ है कि विकास रोड जो नहीं हुआ है ना, तो उसके चलते कोई घर बनाना चाहता नहीं है। समस्या है रोड नहीं बनने से आप लोग आने जाने में देखिए रहे हैं, आप स्थिति देख रहे हैं कि एक पैदल चलना भी मुश्किल हो। उसमें भी पहले तो कुछ चल भी जाता था, ये जब नाला बनाने लगा तो सब मिट्टी रोड पर दे दिया। और रोड पर दे दिया तो जो सूखल उखल था वो कीचड़ हो गया। नगर निगम से आप लोगों ने कई बार तो बोले नहीं, नगर निगम को कम से कम 50 बार एप्लीकेशन दिए, सब दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक। हाँ, अब हो जाएगा। उसमें बोली भी थे तो भी बोलता था का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं। विधायक सांसद के पास भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, 2-3 बार वहाँ भी सांसद के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, लेकिन कोई समस्या का हाँ हो जाएगा आश्वासन की सेवा कुछ नहीं मिलता है। जबकि हम लोग ईमानदारी से एक एक पैसा जैसे ही होल्डिंग शुरू होता है हम लोग पहुंचा देते हैं। सर, सड़क बनाने की जो बात है कह रहे हैं आप, ये इतनी बड़ी रोड है जिससे कैलाश नगर, गोस नगर सारे जगह जाते हैं, मगर नगर निगम के जितने रहे महापौर सबको दरखास्त देना, MLA को देना, मगर यहाँ इसके कारण रोड नहीं बनता। यह भी जो आप अभी आए हैं ये निजी पैसा से बनाया हुआ, मेरा मट्टी भर के पहले इतना इतना नाला पानी बहता था, उसको हमने निजी पैसा से रामगढ़ से मोरम माल ला के भराए तो आज आ पाए, नहीं तो वह भी नहीं आ पा पाते। और उसमें नगर निगम रहे, MLA, MP, किसी का कोई कोऑपरेशन नहीं मुझे मिला। विकास नहीं चाहते हैं और वोट बैंक का राजनीतिक है। बोले न कि भूमि माफिया के यह प्रकोप है कि जो जमीन हमारा सही है, खतियानदारी से खरीदा हुआ, मोटिशन है, LPC है, आज जैसी जाता है आ जाता है वो एग्रीमेंट लेकर। अब सारे वृद्ध हैं, हम लोग को तो बाल बच्चा यहाँ है नहीं। अब वृद्ध आदमी इस 75 साल का कितना लाठी डंडा उठाएंगे। अब आप ही लोग सहारा है पत्रकार महोदय। बहुतों बार विधायक, सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद सब जगह हम लोग बोल करके थक चुके हैं, मौखिक हो, लिखित हो, और कोई आज तक जो है हमारा ये सड़क पर जो है ध्यान किन्हीं का नहीं गया। करते हैं कि इधर जो है आज से 2 साल पहले इधर का रोड आया हुआ है। ये रोड लेकर के जो है चिराचास के कोई जो है बिल्डर का थी, लेकर के जो है यहाँ का रोड लेकर के चला गया। पिछले अथी में विधायक जी का जो है अथी किया हुआ, अनुशंसा किया हुआ, वो रोड भी खटाई में पड़ गया है। अभी नगर निगम जो है टेंडर हुए इसका 3 महीना हो गया, अभी तक रोड का भूमि पूजन, शिलान्यास, कोई काम चालू नहीं हुआ है। बिल्डर लोग जो है नगर निगम और जो है इन लोगों को पैसा देते हैं,
हम लोग पैसा दे नहीं पाएंगे, हम लोग कहाँ से देंगे पैसा? हम लोग जो है नगर निगम को होल्डिंग टैक्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं, जो है कहाँ से दे पाएंगे पैसा हम लोग? पैसा मतलब क्या? घूस? घूस बिल्डर लोग घूस देते हैं अपने एरिया में जाकर के, ये बनवा लेते हैं रोड और नाली, तो उसके तरफ जो है कोई ध्यान नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? सड़क बनना चाहिए। कितने वर्षों से लंबित है ये? लगभग जो है पिछले 10 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, एकदम जो है देख रहे हैं सड़क का स्थिति, देख ही रहे हैं।